भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठाओ। सभी अपने जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखते हैं, उन्हीं सब चीजों को पर्दे पर उतारती ये पांच फिल्में, जिन्हें देखने के बाद आपको जिंदगी के बारे में काफी कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेगी। नंबर 5 पे आते हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। जिंदगी में अगर हमारे गोल क्लियर हैं तो वो किसी न किसी रास्ते सच हो ही जाते हैं। इसी का जीता जागता एग्जाम्पल है ये मूवी, जिसमें आप देखेंगे शौर्य चक्र विजेता गुंजन सक्सेना को। ये मूवी इनकी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ये फिल्म हर उस इंसान के लिए खास है जिसे अपने देश से, अपने वतन से प्यार है। फिल्म में कहानी है कारगिल युद्ध की, जिसमें एक पिता अपने बेटी को न सिर्फ घर से बाहर जाकर अपनी मर्जी का कुछ करने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि परिवार के बाकी सदस्यों की भावनाओं से लड़कर भी बेटी को पायलट बनाने के लिए प्रेरित करता है। दादा मुझे पायलट बनना है। लड़कियां पायलट नहीं बनती। देखो प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। पर और व्यक्ति है छलांग। जिंदगी में हिम्मत न हारना हमें बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन जब तक आप खुद अपने हालात के लिए कुछ नहीं करते, दूसरों का कुछ भी बोलना बेकार ही रहता है। अपने हालात को बेहतर बनाने, आगे बढ़ने, जीवन में इज्जत पाने और मिसाल कायम करने के लिए आपको खुद ही अपने पैर आगे बढ़ाने पड़ते हैं, और यही एक कदम आगे लेकर कुछ कर दिखाने की कहानी है छलांग की, जिसमें आपको राजकुमार राव जी की बेहतरीन एक्टिंग नजर आएगी। मूवी बहुत ही लाजवाब है। मूवी कब खत्म हो गई आपको पता ही नहीं चलेगा। नंबर 3 पे आते हैं सीरियस मैन, जिसकी हम रेटिंग है 6.8 की। पैसा कमाना किसे पसंद नहीं है? कौन ऐसा है जो अपनी जिंदगी में ढेर सारा पैसा या ऐश और आराम नहीं चाहता? लेकिन आपके और हमारे जैसे लोगों को आराम की जिंदगी कमाने में सालों लग जाते हैं। वही दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आराम की जिंदगी में कई पीढ़ियां लग जाती है। जिंदगी के उस हिस्से को दिखाया गया है जिसे ज्यादातर लोग गुजरते हैं। पढ़ाई खत्म होने के बाद कईयों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता, उनका हर दिन बिना किसी खास योजना के गुजरता है। इसका भी एक खास मजा है कि अगले क्षण हम क्या करेंगे या हमें भी पता नहीं होता। कॉलेज के अंतिम वर्ष में सिड फेल हो गया है और जिंदगी में उसका कोई गोल नहीं है। नंबर 1 पे आते हैं छिछोरे, जिसके हम रेटिंग है 8.2 की। हम सभी अपने लाइफ में जीत को ही सब कुछ मानते हैं और जीत के बाद क्या करना है इसके बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हार के बाद क्या करना है ये किसी को भी पता नहीं है। कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर बनी है ये मूवी, जिसे देखने के बाद आपकी सोच में थोड़ा सा बदलाव आएगा जो आपको कई लाइफ लेसन सिखाएगी। ये इतना क्यों घबरा रहा है? पहली बार लड़की से बात कर रहे हो? आर यू ओके? तुम्हारा गिटार लेके आना जरा। जिंदगी में अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको चलना पड़ता है। हम कई बार गिरते हैं और कई बार गिरने के बाद बैठ जाते हैं। तो नंबर 5 पे आती कागज, जिसके हम रेटिंग है 7.4 की। अगर हम कुछ करने का ठान लेते हैं तो दुनिया चाहे जितना रोकने की कोशिश करे वो हमें रोक नहीं पाती है। फिल्म का नाम है कागज, जिसकी कहानी है कागज के ऊपर। आप कहीं भी किसी भी सरकारी काम के लिए जाएं तो इसके लिए कागज की जरूरत होती है। इन कागजों के बिना आपका कोई काम नहीं होता है, लेकिन अगर इन्हीं कागजों में आपको मृतक घोषित कर दिया जाए तो आप जीते जी भी कोई काम नहीं कर सकते हैं। इस एक सरकारी कागज की अहमियत बताने वाली सच्ची घटना पर आधारित है ये मूवी। फिल्म लाल बिहारी मृतक नाम के व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने 18 साल के लंबे संघर्ष के बाद खुद को जीवित साबित कर दिया। छोड़ दो ये लड़ाई। कुछ लोगों ने हमारे साथ गलत किया है तो उनको बताना है कि वो गलत किए हैं। धर्म युद्ध है, मान सम्मान पहचान की लड़ाई है। नंबर 4 पे आती है सर, जिसके हम रेटिंग है 7.7 की। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि फील करेंगे। इसमें कहानी एक ऐसी महिला की जिसका पति मर चुका है, जो मुंबई में आकर एक घर में मेड के रूप में काम कर रही है, जिसके कुछ सपने हैं। इस फिल्म में आपको कोई भी मसाला नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब इस फिल्म को देखेंगे तो वो आपको बिल्कुल सच्ची लगेगी। ये क्या है? आपके बर्थडे सर। नंबर 3 पे आते हैं नीरजा, जिसके हम रेटिंग है 7.7 की। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें दुनिया को नहीं बल्कि अपने डर से जीतने की जरूरत होती है, जिसका एग्जांपल है यूं भी, जिसमें आप देखेंगे नीरजा को, जिसने 1986 में मात्र 23 की उम्र में 16 घंटों से अधिक के हाईजैक में अपने साहस और बुद्धिमानी से न केवल 355 से ज़्यादा यात्रियों की जान बचाई बल्कि 3 बच्चों की रक्षा करते हुए प्राण निछावर कर दिए।
उन्हें भारत सरकार ने सौर का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र प्रदान किया। ये सम्मान पाने वाली वो सबसे कम उम्र की वीर है। इसकी कुंडली में लिखा था कुल का दीपक बनेगी। नंबर टू पे आती है सीक्रेट सुपरस्टार, जिसके हम उठेंगे 7.8 की। हमारी लाइफ जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहती है जब तक हम उसे बदलना नहीं चाहते। अगर आपको अपने लाइफ में सच में कुछ बदलना है तो उसके लिए आपको अपनी प्रॉब्लम से लड़ना ही होगा। कुछ ऐसी कहानी है इस मूवी की, जिसमें कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने दिखा दिया अगर दिल में कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए हमें अपनी हदें पार करनी होगी। मेरा नया गाना सुना? कौन सा? वो धीरे धीरे से, वो तो पुराना हो गया, नया वाला है जोर जोर से। नंबर वन पे आती है पैडमैन, जिसके हम रेटिंग है 7.9 की। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जो उसे बदलने की ताकत रखता है उसे कोशिश जरूर करनी चाहिए, जिसका एग्जांपल है ये मूवी, जिसकी कहानी में आप देखेंगे एक ऐसे शख्स को जिसने पूरी दुनिया में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इस मूवी को देखने के बाद आप ये भी सीखेंगे अगर हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उससे सिर्फ उनका ही भला नहीं होता है, आपका भी होता है। पैडमैन उड़ना छोड़ के धरती पे क्या कर रहे हैं? भगवान के भरोसे मत बैठिए, कापा तो भगवान हमरे भरोसे बैठा। जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है और लोगों के जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ करने का मन नहीं करता और हम परेशान हो जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि आखिर करें क्या ज़िंदगी में, आखिर हमें मोटिवेशन कहाँ से मिले। ऐसे ही लोगों के लिए लाए हैं टॉप 5 ऐसी मूवी जो आपको कुछ ढंग का करने के लिए मोटिवेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप घर से निकल जाओ, आपको पता नहीं आपको जाना कहाँ है, आप बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ऐसे में आपके साथ क्या होगा, आप भटक जाओगे। नंबर 5 पर आती है लक्ष्य, जिसमें एक लड़का रहता है, उसकी ज़िंदगी में उसको पता नहीं करना क्या है, लेकिन एक ऐसा फेस उसके ज़िंदगी में आता है जो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? क्या आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो? नंबर 4 पे आती है सुपर 30, जो कि पटना के आनंद कुमार के ऊपर बेस्ड है, जो कि हर साल 30 बच्चों को लेते हैं और 30 को IIT में टॉप कराते हैं। इनकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है, आप जब देखेंगे तो आप इनकी स्टोरी में खो जाएंगे, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि आप बोर हो रहे हैं, आपको ये बहुत ही इंस्पायर करेगी, तो आज ही जाकर इसे देख लें, जिसकी IMDb रेटिंग है 8 की। अगर आपकी प्रॉब्लम बढ़ी है तो आपकी एनर्जी छोटी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नंबर 3 पर आती है माजी द माउंटेन मैन, कैसे एक शख्स पूरे पहाड़ को काट कर रास्ता बना देता है, आखिर क्या रीज़न होता है वो पहाड़ काटने का, ये मूवी आप देख के पता लगा सकते हैं, लेकिन मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आपको इंस्पायर करेगी, ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। नंबर दो पर आती है उड़ान, जो कि एक अच्छी मूवी है, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.2 की। स्टोरी एक बच्चे की है जो राइटर बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इसका एक पोयम है जो मैं आपको सुनाता हूँ। छोटी छोटी चित्राई यादें बिछी हुई है लम्हों की लॉन पर, नंगे पैर उन पर चलते चलते इतनी दूर आ गए हैं कि अब भूल गए हैं जूते कहाँ उतारे थे। जिस तरह 5 उंगलियों का अलग यूज़ होता है, उसी तरह हर लड़के में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन हर कोई 5 उंगलियों को खींच कर बराबर करने की कोशिश करता है। नंबर 1 पर आती है हमारी मूवी तारे ज़मीन पर, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.4 की। हम हर तरफ लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढने में व्यस्त रहते हैं जो हमारे ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाएं, तो आपके लिए हम कुछ ऐसी मूवीज़ लेकर आए हैं जो आपको ज़िंदगी में कुछ बड़े लेसन सिखाएंगे। ये बार बार देखो 2016 में रिलीज एक रोमांस ड्रामा मूवी है। इस मूवी में दिखाई गया कि हम सब अपने काम धंधे में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने रिलेशन को भूल ही जाते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। हालांकि मूवी में हीरो को टाइम मिल जाता है वापस सब कुछ ठीक करने का, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं होगा। तुमने शादी कब की? ये अच्छा है, हनीमून पे पूछ रहे हो शादी कब की? मिस्टर वर्मा, मिसेस वर्मा को आके गुड मॉर्निंग नहीं कहोगे? 10 दिन। नंबर 4 पे आती है सुई धागा, 2018 में रिलीज हुई एक ड्रामा रोमांस मूवी है। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी में आपको एक मिडिल क्लास फैमिली देखने को मिलेगी जो 8,000 की नौकरी करती है। नौकरी में उसे बेइज्जती होने की वजह से वो नौकरी को छोड़ देता है और खुद का कुछ करने का कोशिश करता है। कुछ महीनों की तो बात है बाबूजी, पूरा काम चल पड़ेगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे इसके काम चलने के इंतजार में अम्मा बाबूजी चल बसेंगे, फिर यहीं बैठ के कफन सिलता रहियो। नंबर 3 पे आती है गली बॉय, 2019 में रिलीज हुई एक म्यूजिकल ड्रामा हुई है। 2 घंटे 34 मिनट की मूवी में आप देखेंगे एक रैपर की कहानी।
कि गली की बारात नहीं तेरी कोई औकात नहीं इस जंग में। बन जा मेरा चेला, तुझे बहुत कुछ सिखाना है। मेरा रैप सुन के तेरी बंदी बोले ओ ये तो मेरा वाला गाना है। नंबर दो पे आते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 2011 में रिलीज हुई एक एडवेंचर रोमांस मूवी है। 2 घंटे 35 मिनट की मूवी, आप देखेंगे खुद के ही लाइफ को। अपने काम धंधे में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। ये मूवी आपको कई लाइफ लेसन सिखाएंगी, तो इस मूवी को आप जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा ये मूवी देखकर। मेरी जिंदगी तो जैसे एक बंद डिब्बे के अंदर कट रही है। इंसान को डिब्बे में सिर्फ तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो। नंबर वन पे आती है 3 इडियट्स। 2009 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है। 2 घंटे 50 मिनट की मूवी आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगी। इस मूवी को जितना देखो उतना कम है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप इसको चाहे जितनी बार देखो। इसमें आपको कई लाइफ लेसन भी सीखने को मिलेंगे। यार बहुत शोर है ना यहाँ पे यार, मुझे थैंक यू बोल रही है, मुझे गेट लॉस सुनाई दे। मैंने गेट लॉस ही बोला। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।